शुरुआती प्रेगनेंसी में महिलाओं को पेट से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स सफ़र करनी पड़ती है, जैसे ये कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होना, कुछ ऐसी हार्ड चीज़ें खा लेना, जैसे कि अगर बात करें नॉनवेज खा लेती हैं, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खा लेती हैं, तो वो पचा पाना काफ़ी मुश्किल होता है। उसको पचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उस समय डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, तो इसलिए फूड्स को डाइजेस्ट यानी पचाने में थोड़ा टाइम लगने लगता है। और जितना टाइम लगता है उनको पचाने में, उसमें क्या होता है कि गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा बनने लगती है, खट्टी थकान आना, सीने में जलन होना, ये सारे प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगते हैं। तो ये पेट से जुड़ी ही समस्या है, पेट में ही ऐसी गड़बड़ होती है। तो शुरुआती प्रेगनेंसी का ये एक लक्षण हो सकता है कि अगर आपको कुछ दिनों से ये ज़्यादा बन रहा है, गैस ज़्यादा बन रहा है, डाइजेस्ट फूड होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, काइया आना या वॉमिटिंग होना, ये भी हो सकता है। दूसरा ये कि गैस होने के साथ साथ पेट में कड़कपन महसूस होना, टाइटनिंग महसूस होना, तो ये भी शुरुआती प्रेगनेंसी का ही एक लक्षण है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, ऑयली स्पाइसी फूड खा लेना, ज़्यादातर तेलहन चीज़ें खा लेना, तो इसकी वजह से गैस बनता है महिलाओं को, और साथ ही पेट कड़क महसूस होगा, पेट काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइट महसूस होगा। ये कुछ ही मिनटों या घंटों के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। वहीं कई महिलाओं को जो है कब्ज की भी शिकायत होती है, तो ये भी कनेक्शन आपके खाने से ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम से ही है, क्योंकि मैंने बोला कि प्रेगनेंसी, शुरुआती प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण बोलिए या आप अपने डाइट के कारण बोलिए, काफ़ी स्लो डाइजेस्ट होता है, खासकर जब आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग खाना खा लेते हो, हार्ड चीज़ें खा लेते हो, पचने में टाइम लगता है। तो महिलाओं को कब्ज की भी शिकायत काफ़ी ज़्यादा होती है, कब्जियत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने लगता है। तो ये भी एक पेट से ही कनेक्शन है इसका, कि पेट के खाने की वजह से कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन होना एक प्रेगनेंसी शुरुआती का लक्षण है। तो अगर ये सारे लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं, साथ ही कई बार क्या होता है कि इम्प्लांटेशन पेन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तो सिर्फ इम्प्लांटेशन डेज में ही आपको वो क्रैम्प महसूस होगा, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा दर्द रहता है पेट के निचले हिस्से में, तो आप डॉक्टर से इसकी राय ले सकते हो, क्योंकि दर्द ज़्यादा होना, फीवर, वॉमिटिंग या फिर चक्कर आना, ये एक मिसकैरेज का भी निशानी हो सकता है, तो एक बार अपने डॉक्टर से राय ले लें। वहीं अगर आपको गैस के साथ, कब्जियत के साथ पेट में हल्का फुल्का दर्द रहता है, तो ये भी एक इस वजह से ही होता है, क्योंकि आपके खाने या डाइट की वजह से आपको गैस बन रहा है, खट्टी ढकार, सीने में जलन, पेट कड़क होना, कॉन्स्टिपेशन के कारण, कब्ज होने के कारण, क्योंकि खुल के पॉटी नहीं होना, कब्ज हमेशा बनाए रखना, इसके कारण पेट में आपको दर्द कभी कभी होता है। तो ये कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन के कारण भी हो सकता है या गैस के कारण हो सकता है। तो कैसे आप जान सकती हैं, तो पीरियड मिस होने दीजिए, डेट मिस होने दीजिए, अपने प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, उसके बाद एक अच्छे गायना से कंसल्ट कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाए। धन्यवाद।